आप सभी भली बात ही जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है। इस समय कोरोना का संकट भारत पर ही नहीं पूरे विश्व पर मंडरा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो हमें साथ निभाने वाले हैं वो हैं डॉक्टर। डॉक्टर्स की वजह से अधिकतर मरीजों का इलाज हो चुका है और बाकी बचे कोरोना के मरीजों का डॉक्टर्स पूरी ईमानदारी के साथ इलाज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो इस कोरोना संकट में अपनी मोटी इनकम का सोर्स ढूंढते नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही मामला एक तब संज्ञान में आया जब एक डॉक्टर ने एक ऑपरेशन के नाम पर 20,000 रुपये की रिश्वत मांग ली। जी हाँ, एक सरकारी डॉक्टर ने एक पेशेंट से 20,000 रुपये की रिश्वत ऑपरेशन के लिए मांगी। जब पेशेंट ने इस रिश्वत को देने के लिए उसे हाँ कर दिया और उसने इस सारी जानकारी को पुलिस के साथ भी साझा कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सफ़ेद वर्दी में ये डॉक्टर कहे जाने वाले, जिन्हें भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस सफ़ेद वर्दी पर दाग लगाने से नहीं चूकते। सर्वोदय टीवी ब्यूरो रिपोर्ट। सर, हम 3 तारीख को मरीज को लेकर यहाँ आए थे। 3 तारीख को शाम को भर्ती कराया था। फिर इन्होंने कहा कि कल ऑपरेशन हो जाएगा, तो दूसरे दिन भी ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर उसके बाद 5 तारीख को भी सुबह ऑपरेशन नहीं हुआ। फिर 5 तारीख को चौकी पर कुलदीप मीणा ने उपस्थित होकर एक जरूरी रिपोर्ट मैं अशोक मीणा की पेश करी कि उसका, अशोक मीणा का भाई लोकेश मीणा जो है राजकीय चिकित्सालय ब्रसवर चिकित्सालय में एडमिट है, उसके पैर में फ्रैक्चर है और डॉक्टर साहब उसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और 20,000 रुपये मांग रहे हैं कि डॉक्टर ओम प्रकाश धाकड़ की उनके जो देवली का हॉस्पिटल है ओजस हॉस्पिटल उसमें ले चल और 20,000 रुपये लगेंगे और तेरा ऑपरेशन कर देंगे। इस पर परिवादी हमारे सामने उपस्थित हुआ। हमने दिनांक 5 तारीख को ही उसको सत्यापन के लिए भेजा तो डॉक्टर साहब ने राजकीय चिकित्सालय में ही ऑपरेशन करने के लिए 15,000 रुपये में तय हुई मांग और वक्त सत्यापन 5,000 रुपये डॉक्टर साहब ने, ओम प्रकाश जी ने अपने गायत्री नगर स्थित निवास पे ले लिए। उसके उपरांत कल जो है आज ऑपरेशन करने की बात थी तो ऑपरेशन से पूर्व 5,000 रुपये देने थे, आज परिवादी को 5,000 रुपये लेके भेजा तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने उसको मेडिकल स्टोर पर भेजने के लिए कहा, उनके निवास के नज़दीक जो मेडिकल स्टोर है उस पर, तो वहाँ जो रमेश तेली है उसने अपने मेडिकल स्टोर पे 5,000 रुपये लेके उसने उसकी डायरी में रख लिया, उससे राशि बरामद की जा चुकी है। रंगे हाथों रेड 5,000 रुपये का ट्रेप किया गया है और डॉक्टर साहब को भी हिरासत में ले लिया गया।